नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जो कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं उनके सेकेंड पेपर के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। जैसे एजुकेशन का ले लीजिए, उसका सेकेंड पेपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा जो ये टॉपिक में आता है, और फर्स्ट पेपर में तो मान के चलिए कि आएगा ही आएगा ये टॉपिक से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चंस। तो देखिए, आज का टॉपिक आपके सिलेबस से हम जो लेके आए हैं वो है स्पेशल चिल्ड्रेन, यानी कि फ्रेंड विशिष्ट बालक से संबंधित। और यहाँ पे हम जानेंगे कि उनके संबंधित कुछ, यानी विशिष्ट बालक से संबंधित सीखने संबंधित कुछ बीमारियाँ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे लर्निंग डिसऑर्डर यानी सीखने संबंधी अक्षमता जो होती है डिसऑर्डर, उससे संबंधित बीमारियाँ हम लेके आए हैं, यानी कि सीखने संबंधित बीमारियाँ, और उसको हम यहाँ पे बताएंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जानते हैं आज के सबसे फर्स्ट जो है, देखिए ये है अलेक्सिया, यानी ALEXIA, ये आपका एक बीमारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अलावा हम और भी कम से कम इसके अलावा दो वीडियो अपलोड करेंगे बैक टू बैक नेक्स्ट डे, क्योंकि और भी टॉपिक हैं, और भी बीमारी हैं जिसको हमें आपको बताना है। लेकिन यहाँ पे अभी हम फर्स्ट आपके पार्ट ये अपलोड कर रहे हैं जिसमें चार फ्रेंड्स जो लर्निंग डिसऑर्डर है उसको हम यहाँ पर बता रहे हैं, और इसके अलावा जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए हम बताते हैं अलेक्सिया के बारे में। देखिए फ्रेंड, अलेक्सिया सीखने में अक्षमता संबंधित ये आपको बीमारी है। ओके, ये सीखने में आपकी क्षमता, जो बच्चे की क्षमता होती है उसको असक्षम कर देती है। फ्रेंड देखिए, द इनबिलिटी टू सी वर्ड और टू रीड केस्ड बाय अ डिफेक्ट ऑफ द ब्रेन। ओके, ये है आपका अलेक्सिया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी आता है ये डिसलेक्सिया, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि डिसलेक्सिया का क्या मतलब होता है। तो देखिए, ये है DYSLEXIA, वर्ड से बना है, यानी डिसलेक्सिया। ये है वाक विकार और पठन वाचन संबंधित ये बीमारी है। तो फ्रेंड्स, अ जनरल टर्म फॉर डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड और इंटरप्रेट वर्ड लेटर्स बट दैट डू नॉट अफेक्ट जनरल इंटेलिजेंस। ओके, ये देखिए आपका डिसलेक्सिया है, आपको याद रखना है वाक विकार और पठन वाचन यानी पढ़ने संबंधित ये बीमारी है आपका। ओके, यानी कि पढ़ना और उसको वाचन यानी बोलना, वाक विकार इसे संबंधित विकारी है, मतलब विकार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है डिमेंशिया, ये आपका है डिमेंशिया, जो आप वर्ड से बना है इंग्लिश के वर्ड से DEMENTIA। तो यह है स्मरण शक्ति का कमज़ोर होना या तर्क न कर पाना, इसका इस बीमारी के कारण ये प्रॉब्लम होती है चाइल्ड में, यानी स्मरण शक्ति का कमज़ोर, यानी कि वो याद नहीं रख पाता किसी चीज़ को, अगर वो पढ़ता है तो वो बहुत जल्दी भूल पाता है और तर्क नहीं कर पाता है और उस पर जो होता है लॉजिक नहीं लगा पाता है। तो फ्रेंड देखिए, अ क्रॉनिक और प्रसिस्टेंट डिसऑर्डर ऑफ द मेंटल प्रोसेस केस्ड बाय ब्रेन डिजीज और इंजरी एंड मार्क्ड बाय मेमोरी डिसऑर्डर पर्सनालिटी चेंज एंड इम्पेयर्ड रीजनिंग। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका डिसमेंसिया। तो इसको एकदम आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चंस जरूर ना जरूर इससे आते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट चलते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता इसलिए हमने आज चार ही आपके डिजीज जो है इसमें हमने डाले हैं। देखिए, ये है डिसप्रैक्सिया, यानी कि DYSPRAXIA, ये वर्ड है जिससे बना है डिस्पैक्सिया। तो देखिए, लेखन पठन व गणती व्यतिक्रम आपका ये इससे
प्रॉब्लम आती है चाइल्ड में। तो देखिए, लेखन यानी लिखना, पठन यानी पढ़ना, और गणितीय व्यतिक्रम यानी कि गणित का जो होता है, गणित संबंधित भूल चूक जो परेशानियाँ होती हैं इसके बारे में, यानी इससे संबंधित इनमें बीमारियाँ डिजीज आती हैं। देखिए, ये है आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन इन चाइल्डहुड केसिंग डिफ़िकल्टी इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। तो ये आपका आता है डिस्प्रैक्सिया। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हम आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम बताएंगे, जिसमें आपका डिस्ग्राफिया आता है, डिस्केल्किया आता है आपका, और वुलमिया आता है, अफेसिया आता है, डिस्प्रेजिया आता है, प्रोजेरिया आता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे टॉपिक जो हम आपको बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है वो आपके जिन यानी कि जिन बालकों को भाषा के लिए से संबंधित लिखने, पढ़ने, समझने आदि में यानी शारीरिक, मानसिक या अन्य किसी कारण से बाधा उत्पन्न होती है, वो यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि अधिगम निरयोग बालक कहे जाते हैं। आपको ये याद रखना है, ऐसे बालक की संख्या, दिशा, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, अंकगणितीय गणना करने, मानचित्र में कोई स्थान ढूंढने, इन सभी संबंधित परेशानी उनको उत्पन्न होती है। ओके, तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आज का दिन बहुत बहुत शुभ हो।